स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, आप सभी के डेलेड को लेकर के इतने सारे कमेंट आ रहे थे भर भर के। सर, परीक्षा कब होगी, मार्कशीट कब आएगी 2019 बैच की, प्रत्यावेदन फॉर्म कहाँ जमा करें, डाइट के जो टीचर है वो वहाँ पर जमा नहीं कर रहे हैं, क्या SCERT पर ही जमा करने होंगे। ये सभी डाउट मैंने आपके यहाँ पर कुछ लिए हैं। अगर इन डाउट में से आपके कुछ अलग है जो मैं नहीं ले पाया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं कब होगी, प्रत्यावेदन फॉर्म कहाँ जमा करें, बैक प्रशिक्षु किस सेमेस्टर की तैयारी करें। तो चलिए एक एक करके सारे डाउट यहाँ पर जो है आपके क्लियर होने वाले हैं। तो डीएलएड ऑल सेमेस्टर परीक्षा 2019/19 बैच, जो भी बैक प्रशिक्षु है, चाहे वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेमेस्टर के हो, या 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर पास कर चुके वो फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देंगे, उन सभी के पेपर भी एक साथ ही होंगे। 2021 बैच के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा भी आपके साथ ही होगी। 2022 बैच की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी आप ही के साथ होने वाली है, या किसी भी बैच के हैं तो आपकी सभी की परीक्षा एक साथ होगी। आपने PNP सचिव की एक ऑडियो सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी परीक्षाएँ अभी 2 महीने नहीं होने वाली, तो लगभग आप मान सकते हैं नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, और सभी बैच के सभी सेमेस्टर के एक साथ होंगे। एक दिन में 2 या 3 पेपर आपके होते हैं, सभी के एक साथ होंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल डेट आएगी तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रखें। अगला आपका क्वेश्चन है 2019 बैच की मार्कशीट कब तक आएगी। तो आपने भी अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे चैनल पर जो है वीडियो देखी होगी, उसमें बताया गया था कि आपकी जो मार्कशीट के लिए, जैसे आपका किसी का पिता का नाम गलती है, किसी का अपना नाम गलती है, फोटो गलती है, या कुछ भी करेक्शन होना है मार्कशीट में, तो उसके लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए हैं। आप सभी कॉलेज से अपने संपर्क कर लीजिए, जिसका भी जो भी टाइपिंग या मिसप्रिंटिंग मिस्टेक है वो सभी आपकी ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपका मार्कशीट का प्रिंटिंग का काम चलेगा। और यूपी टेट की आपकी मार्कशीट छप चुकी है, डाइट में कुछ ही दिनों में आ जाएगी, PNP पर रखी हुई है, तो वो भी आप वहाँ पर ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, प्रत्यावेदन फॉर्म कब और कहाँ जमा करें। तो बच्चों, प्रत्यावेदन फॉर्म आपको SCERT पर जमा करना होता है। तो मैं एक बार ये भी बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रत्यावेदन फॉर्म का नहीं पता होगा। तो प्रत्यावेदन वो फॉर्म होता है, जैसे इसको फॉर्म नहीं कहेंगे, इसको एक रिक्वेस्ट कहेंगे, जो SCERT से करनी होती है, जिसकी 3 बार बैक लग चुकी, यानी एक बार आपकी मेन एग्जाम में लग गई, उसके बाद आपने बैक का फॉर्म भरा उसमें बैक लग गई, दोबारा से रीबैक भरा फिर उसमें लग गई, तो ये आपके टोटल 3 चांस हो जाते हैं। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलता, आपका सेमेस्टर ही बैक माना जाता है, आप पूरे सेमेस्टर के दोबारा से जो है परीक्षा देंगे। लेकिन SCERT में प्रत्यावेदन देने से एक अतिरिक्त मौका और मिल जाता है SCERT की तरफ से, क्योंकि 3 बार बैक लगने के बाद PNP आपका जो डाटा है वो लॉक कर देती है, आपका डाटा नहीं खुलता है, आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिस बच्चे ने प्रत्यावेदन फॉर्म दिया है सिर्फ वही फॉर्म भर पाएगा, और ये फॉर्म जो है SCERT पर जमा होंगे, SCERT पर, ठीक है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि SCERT ने एक लेटर जारी करके ये बोल दिया था कि बच्चे इतनी दूर आते हैं, कोई मेरठ से, शामली से, आगरा से जो वहाँ पर लखनऊ पहुँचते हैं प्रत्यावेदन देने के लिए, तो परेशान ना हो, आप सभी अपने ज़िले की डाइट में जो है जमा कर सकते हैं। लेकिन कुछ डाइट वाले अभी भी जमा कर रहे हैं पिछले नोटिस के मुताबिक, कुछ नहीं जमा कर रहे हैं। तो बच्चों, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप SCERT जा करके अपना प्रत्यावेदन सुनिश्चित करें और वहाँ से एक रिसिप्ट ले। इसकी फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, फ्री में आपका ये काम होगा। जो एप्लीकेशन है रिक्वेस्ट की, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ऑनलाइन शिक्षण हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो प्रत्यावेदन फॉर्म कब और कहाँ करें, इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म आने से पहले पहले आप ये काम अपना निपटा लें, ताकि आपको बाद में समस्या का सामना न करना पड़े। बैक प्रशिक्षु किस सेमेस्टर की तैयारी करें, तो इसका आंसर आपको मैं तभी दे पाऊंगा जब आप बताएंगे कि आप कौन से बैच के हैं। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप उससे अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए। जैसे आप 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं, आपकी किसी भी 1 सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक आ चुकी है, तो आप अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए, यानी आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करिए, और साथ में आप इन 2 सब्जेक्ट की भी तैयारी करिए।
आपके पेपर सेकंड सेमेस्टर के साथ बैक के भी होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सभी बैच का होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जो है रिप्लाई दे दूंगा। तो इंटर्नशिप और एग्ज़ाम डेट आपको मैं बता चुका हूँ, नवंबर या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, आपको हम सूचना दे देंगे। इंटर्नशिप की बात करूँ, इंटर्नशिप फाइल के लिए इंटर्नशिप फाइल बनाई जाती है। अगर किसी बच्चे को इंटर्नशिप फाइल देखनी है कैसी होती है, जैसे डे बाई डे 30 दिन का काम होता है इंटर्नशिप का, रोज़ आपको एक डायरी बनानी होती है, उस डायरी को अभी मैं एक वीडियो बना करके आपको दिखा दूँगा कैसी डायरी बनानी होती है, तो आप उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंटर्नशिप आपकी चली हुई है, जैसे 2019 बैच में बैक प्रशिक्षु थे उनकी अब इंटर्नशिप चली हुई है फोर्थ सेमेस्टर की, तो ऐसे ही 2021 बैच की भी शायद सेकंड सेमेस्टर की इंटर्नशिप चली हुई है, बच्चे कुछ सबकी स्टार्ट हो रखी है। तो जैसे इंटर्नशिप ख़त्म होगी उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑनलाइन शिक्षण हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज मिल जाएगी। अगर आप 2019 बैच या किसी भी बैच के फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षक है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा 85 34 94 09 90। हमारे द्वारा पीडीएफ और क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, पीडीएफ प्लस क्लासेस आपको सभी सेमेस्टर की जो है अवेलेबल करा दी जाएगी। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, सिर्फ नाम मात्र का शुल्क है, उसे देने के बाद आप क्लासेस ले पाएंगे, पीडीएफ भी और क्लासेस भी, सभी सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर सभी बैच अपडेटेड नोट से आप ले सकते हैं। तो आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आप इस नंबर को लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू।